Hello students, how are you all? I hope you all fine and safe. Okay, worksheet number 9 में देखिए my dear students, क्या है हमारे English की worksheet number 9 में है application. Okay, application देखिए किस topic पर है. Write an application for sick leave. Application लिखनी है. Okay, आप लोगों ने से पहले लिखी होगी third fourth class. देखिए, write an application for sick leave. Sick leave means अगर आप बीमार हैं तो आपको उसकी सूचना अगर स्कूल में दे रही है तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखिए. कोई भी हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें ये इतना फॉर्मेट जो होता है बिल्कुल सेम होता है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होता है. ये वाला मैटर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, टू द प्रिंसिपल आपने लेटर किसके लिए लिखा है. एप्लीकेशन प्रिंसिपल सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल. ओके, जिस स्कूल के प्रिंसिपल है उस स्कूल का नेम कहाँ है. हमारा स्कूल भोपाल में है, मध्य प्रदेश. रिस्पेक्टेड मैम, इसका मतलब होता है हमारे प्रिंसिपल मैम है, इसलिए हमने मैम लिखा है. अगर सर होते तो हम सर लिखते हैं. ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम आदरणीय अध्यापिका. ठीक है, या फिर मैम टीचर. रेस्पेक्टेड मैम मतलब आदरणीय. आप लेटर लिख रहे हैं मैम को, लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो लैंग्वेज होगा बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. तो आदरणीय मैम, आई बैग यू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. आई बैग यू से दैट इट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. ओके, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है फीवर आ गया है सिंस लास्ट नाइट. इट मीन्स मुझे कल रात से फीवर है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मैम कि मुझे कल रात से जो है वो बुखार आ गया है. सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल. ओके, तो जिसकी वजह से मैं स्कूल आने में है ना स्कूल आने में या विद्यालय आने में असमर्थ हूँ. मतलब मेरी तबीयत जो है वो खराब है जिसके कारण जो है मैं स्कूल नहीं आ पाया हूँ. कम टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज. ओके, इसलिए कृपया करके आप मुझे दो दिन का अवकाश दे दें. अवकाश मीन्स होती छुट्टियाँ. आपने निवेदन पत्र भेजा, एप्लीकेशन को निवेदन पत्र बोलते हैं. आपने एप्लीकेशन भेजी है जिसमें आप अपनी मैम को बता रहे हैं कि मैम मुझे कल रात से बुखार आ गया है जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ. कृपया करके मुझे दो दिन की छुट्टी दे दें. आई शॉल बी थैंकफुल टू यू, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा. आई शॉल बी थैंकफुल टू यू, जिसके लिए मैं आपका क्या हूँ आभारी हूँ. आई शॉल बी थैंकफुल टू यू. देन उसके बाद लास्ट में थैंकिंग यू. ठीक है, आपका शुक्रिया. Yours obediently. Yours obediently का मीन्स होता है मतलब होता है आपका आज्ञाकारी या है ना आपका आज्ञाकारी नेम. आपका जो भी नेम है आप वो लिख देंगे. यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया मान लीजिए, बट यहाँ पे आप लोग जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ पे आप अपना अपना नेम लिखेंगे. ठीक है, देन क्लास जो भी क्लास है आपकी वो क्लास मेंशन कर देंगे और जिस डेट को आपने ये लेटर लिखा एप्लीकेशन जिस डेट को लिखी है आप वो लिख देंगे. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए. हमने एप्लीकेशन लिखी है प्रिंसिपल मैम को क्योंकि आपकी तबीयत जो है वो खराब हो गई है. तो आप भी स्कूल में जब फीवर आ जाता है या छुट्टी चाहिए होती है तो आप एप्लीकेशन में यही एप्लीकेशन जो है आप वो यूज कर सकते हैं. राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. सिक मतलब होता है बीमार, लीव मतलब छुट्टियाँ. आपने एप्लीकेशन लिखनी है बीमारी में छुट्टी के लिए ना. टू द प्रिंसिपल सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल एम. टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैम को, किस स्कूल की मैम है वो सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की मैम है. कहाँ है हमारे स्कूल, भोपाल में है. रिस्पेक्टेड मैम आदरणीय महोदया, आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. मैं आपको बताना कहना चाहता हूँ
कॉन्सिक्वेंटली आपका आज्ञाकारी, आपका नेम और एंड आपकी क्लास हो गया आपका, यहाँ पे डेट लिखनी है। बहुत इजी है। एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ, देख लीजिए। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज। आई शॉल बी थैंकफुल टू यू, थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली और डेट। ओके, एप्लीकेशन है सिक्योरिटी की। एक बार फिर से देखिए, पूजा प्रिंसिपल सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल एमपी। रेस्पेक्टेड मैम, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज। आई शॉल बी थैंकफुल टू यू, थैंकिंग यू योर्स ऑबिडिएंटली, नेम एंड क्लास। दिस इज योर वर्कशीट नंबर 9। ओके, आई होप आप सभी जो है अपनी अपनी वर्कशीट जो है कंप्लीट कर रहे हैं, और इसको भी कॉपी में नोट डाउन करिए और लर्न कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।